हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरे यूट्यूब टाइम में मैंने क्या क्या पाया एंड क्या क्या खोया। मतलब कि मैं जब से यूट्यूब पे आया हूँ तब तक मैंने क्या क्या किया यूट्यूब पर एंड कितनी वीडियो अपलोड की एंड कितने तक मेरे सब्सक्राइबर वाच टाइम पहुँचे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सो आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यार दोस्तों, आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस, लास्ट में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस करना मत भूलिएगा। उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि मेरी हर टाइम न्यू टॉपिक की वीडियो हम आप लोगों के लिए एडवाइस वाली वीडियो भी लाते रहते हैं एंड अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए, अब जैसा गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पे आया, मुझे गाइस मैक्सिमम एक साल तक होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक सब्सक्राइबर मेरे जो बात करें, अगर मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर की बात करें तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 1100 के लगभग में हो चुका है। एंड अगर वॉच टाइम की बात करें तो वो 3500 के लगभग पहुँच चुका है, जो कि आप सब लोग जानते हो कि 4000 घंटा होगा तभी रिव्यू में जाएगा। पर आपको एक बात मैं और बता दूं, जब तक आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे तब तक रिव्यू में आपका वीडियो नहीं जाएगा। एंड दोस्तों देखिए, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग क्या करते हैं शुरू शुरू में, जैसे हम लोग कुछ पता नहीं रहता यूट्यूब के बारे में, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो हम लोग एडसन अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एडसन अकाउंट कब क्रिएट करना है। आप सबको पता होगा शायद, या ना पता हो तो मैं आपको आज की इस वीडियो में वो भी बता देता हूँ। जब आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाओ तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उस टाइम आप एडसन अकाउंट अप्लाई मत करो। पहले आप 2000 घंटा पहले पूरा कर लो अपना वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर 800 पर कर लो, तब जाकर आप अपना जो एडसन अकाउंट है उसको क्रिएट करो। क्यों दोस्तों, हम आपको बता रहे, जब तक आप एडसन अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका जो टाइम है गाइस 12 मंथ का वो नहीं जुड़ेगा। जब आप गाइस, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसी टाइम एडसन अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो आपको जो दिन है वो चालू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी टैग वीडियो है, जो मेरी ये टैग चैनल है, गाइस से तीसरे नंबर पर है। इसके पहले मैं व्हाट्सएप स्टेटस वाली वीडियो बनाया करता था, फिर गाइस उसके बाद मैं बहुत से टॉपिक की वीडियो बनाया करता था, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो मुझे अभी एडवाइस देते हैं, जो मुझे बोलते भी हैं कि भाई आप कॉमेडी वीडियो बनाओ, कॉमेडी वीडियो बहुत चलेगा। यार मैं बता दूं आपको, मुझे कॉमेडी पसंद नहीं है। आप कॉमेडी बनाओ, आप टैग बनाओ, आप कुछ भी करो गाइस, अच्छी बात है कि आप मुझे एडवाइस देते हो, मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि आप हमें एडवाइस देते हो। पर गाइस, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस चीज़ में क्यों जाऊँ? मेरा गाइस उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा है वहाँ जाने का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ये गलती मत कीजिएगा। जैसे कि हम आपको बता दें कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर क्या करते हैं, एडसन अकाउंट अप्लाई करते ही वो लोग मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है गाइस। जब तक आपके सब्सक्राइबर 1000 घंटा ना हो जाए तब तक आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आपको जो एडसेंस है वो डिसेबल हो जाएगा, आपका मोनेटाइज डिसेबल हो सकता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर एक बार डिसेबल हो गया तो इनेबल करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। जो कि हम आपको बता दें कि अगर आपका एडसन डिसेबल हो जाता है तो मैं उसका इनेबल कर सकता हूँ। पर गाइस, मैं उसी चैनल का इनेबल कर सकता हूँ जो खुद का कंटेंट बनाते हो। जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग अपना कंटेंट ना बनाकर किसी और के कंटेंट को यूज करते हैं, तो वो लोगों का गाइस इनेबल हो सकता है, पर गाइस कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों दोस्तों, अगर खुद का उनका कंटेंट नहीं है तो पेमेंट कुछ भी उनके चैनल पर नहीं आएगा, ना एड्स दिखाई जाएंगी। अगर आपका खुद का कंटेंट, अगर आप खुद पर मेहनत करते हो, खुद वीडियो बनाते हो एंड आपका वॉइस सब कुछ आपका है, तब मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर सकता हूँ। एडसन बंदे तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ अगर आपका खुद कंटेंट है तो। और गाइस, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो, मैं वहाँ से आपके कमेंट को पिक कर सकता हूँ एंड आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकता हूँ एंड आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी आसानी से कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए, यही एक्सपीरियंस मेरा है गाइस। अगर आपको मैं बता दूँ कि
YouTube पर, अगर गाइस मैं YouTube पे आए 9 महीने हो जाए, ठीक है 9 महीने हो गए, मैंने इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, मैंने इतने वॉच टाइम गेन कर लिए हैं, तो कुछ 550 घंटा चाहिए मुझे रिव्यू में भेजने के लिए। तो गाइस देखिए, मैंने जो भी किया है खुद के मेहनत से किया है, खुद के दम पे किया है, किसी से ना करवाया है, किसी से ना मैंने बोला है, कुछ भी नहीं किया है, मैंने खुद के दम पे किया है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ कार्य करते हो, कुछ करते हो, तो आप अपने दम पकड़ो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाओगे। तो गाइस यही था, आज के एक्सपीरियंस में हमको आपको बताने के लिए, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जो यूट्यूब से खुद पाया है, तो यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है गाइस। यूट्यूब ने मुझे कम्युनिटी टैब दिया है, सब्सक्राइबर दिया है, वॉच टाइम दिया है, यूट्यूब ने मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए एक मौका दिया है, बहुत चीज़ यूट्यूब दिया है। अगर देखा जाए तो यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है, अगर देखा जाए तो यूट्यूब ने बहुत कुछ नहीं भी दिया है, ठीक है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है एडसन अकाउंट के थ्रू या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं वहाँ से आपका क्वेश्चन को पिक कर लूँगा। पर हाँ गाइज, अगर आप अपना खुद कंटेंट यूज करते हो, अगर आपका खुद कंटेंट है, अगर गलती से आपने डिसेबल कर दिया अपने एडसन अकाउंट को, तब मैं उसको इनेबल कर सकता हूँ। या गाइज, अगर आपका खुद कंटेंट नहीं है, तो गाइज इनेबल करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए गाइज इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।